आइए गोभी की एक बेहतरीन रेसिपी बनाते हैं जिसे आप पार्टीज में खा सकते हैं, कुछ स्पेशल खाने का मन हो तब पका सकते हैं। बहुत ही लजीज और लाजवाब बनता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। वेलकम टू लाइफस्टाइल जंक्शन। एक बोल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी और उसमें डाल देना है 7 से 8 काजू, 1 टेबलस्पून मगज के दाने और इन्हें भीगने छोड़ देना है। थोड़ी देर बाद इसका एक महीन पेस्ट बना लेना है, बिना दरदरा वाला, बिल्कुल महीन। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं और उसे बिल्कुल बारीक ग्रेट कर लेना है। गरम मसालों में हम लेंगे एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 6-7 क्लोव्स दैट इज़ लौंग, 1/4 इंच का दालचीनी, 1 टेबल स्पून जीरा और 8 से 10 पेपरकॉर्न्स, काली मिर्च के दाने। 1 मीडियम साइज़ के प्याज का मैंने बरिस्ता दैट इज़ फ्राइड अनियन बना लिया है। गर्म पानी में हमने थोड़ा सा नमक डाल के गोभी को 5 से 10 मिनट के लिए हल्का सा बॉईल करना है, फिर इसे छान के निकाल लेना है और इसे डीप फ्राई करना है। बिल्कुल ये प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए तो इसे निकाल कर अलग कर लीजिए। एक पैन में हमने थोड़ा सा तेल डालना है, आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंगली तेल डाल सकते हैं, और उसमें जितने भी खड़े मसाले थे तेल गर्म होते ही उसे डाल देना है। अब इसमें हमने प्याज को डाल लेना है, हल्का सा सॉटे करते हैं इसे। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रखा है। इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून हमने डालना है हल्दी और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है पूरे मसाले में। इसे तब तक पकाना है जब तक वो अदरक लहसुन और प्याज का स्मेल चला ना जाए। अब इसमें ऐड करेंगे वो जो पेस्ट बनाकर रखा था हमने, वो काजू के पेस्ट से इसमें एक बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। फ्लेम को लेकिन हमने बिल्कुल कम रखना है, सबसे लो फ्लेम जो होगा वो। अब इसमें हम ऐड कर देंगे तले हुए गोभी, इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है मसाले में। अब इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक, 1 टेबलस्पून शक्कर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बोल में ले लेंगे हम 3 टेबलस्पून कोकोनट मिल्क पाउडर और उसमें फुल फैट मिल्क डाल के इसे एक पतला सा घोल बना लेना है। आप चाहें तो रेडीमेड मार्केट से कोकोनट मिल्क लेकर उसका भी 1 कप यूज़ कर सकते हैं, या फिर घर में भी ताज़े कोकोनट से कोकोनट मिल्क बना सकते हैं और उसे लेना है 1 कप। मुझे ये सबसे इजी और कन्वीनियंट लगता है। बस अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। अब इसे ऐड कर देंगे हम गोभी में। फिर इसमें हम डाल देंगे बरिस्ता, जरा सा बरिस्ता बचा कर रख लीजिए गार्निशिंग के लिए, बाकी पूरा इसमें ऐड कर देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें मैं 1.5 कप फुल फैट मिल्क वो ऐड कर दूंगी। इसे कवर कर देते हैं और एक बॉयल आने देते हैं।
जैसे ही बॉयल आ जाए तो इसमें हमने ऐड कर देना है एक टेबलस्पून किचन किंग मसाला। मैं एवरेस्ट का मसाला यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। और एक टेबलस्पून देसी घी। बस ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है और इसे कवर कर देना है। टारगेट ये है कि इसकी पूरी खुशबू फैल जाए। अब जितना आपको शोरबा चाहिए इसे उतना गाढ़ा रखिए एंड इट इज़ रेडी टू बी सर्व्ड। आप इसे नान, रोटी, पराठे, इवन फ्राइड राइस के साथ खा सकते हैं। ये बेहतरीन है। गार्निश अपने अकॉर्डिंगली करिए और एन्जॉय करिए।